IPL 2022 का मेगा ऑक्शन हमें बहुत ही जल्दी दिखाई देने वाला है और ऐसे में लगातार हमें दोस्तों मेगा ऑक्शन से पहले सभी IPL टीमों की तरफ से, कुछ प्लेयर्स की तरफ से, कोचिंग स्टाफ की तरफ से बड़ी से बड़ी अपडेट हम सभी के सामने आती हुई दिखाई देती रहती है। उसी तरह हम बात करेंगे आज के स्टूडियो में पंजाब किंग्स की टीम के लिए कौन सी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जो की बहुत ही बढ़िया अपडेट है, खुशखबरी है पंजाब किंग्स की टीम के लिए, जो की अनिल कुंबले की तरफ से और कुछ प्लेयर्स की तरफ से। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के लिए निकल कर आ रही है। यह अपडेट है दोस्तों जोफ्रा आर्चर की तरफ से। जोफ्रा आर्चर हमें नीलामी में दिखने वाले हैं, लेकिन किसी भी IPL टीम में वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे IPL 2022 के सीजन में, और इनको IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदा जाएगा, लेकिन IPL 2023 के लिए खरीदा जाएगा, मतलब कि दोस्तों अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए। और ऑक्शन में आना इनका कंफर्म नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम ने दोस्तों इनको अप्रोच किया था। ऐसे दोस्तों RCB टीम, पंजाब किंग्स की टीम या फिर कोई भी टीम हो सकती है जिन्होंने अप्रोच किया होगा इन्हें मेगा ऑक्शन में आने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी कुछ टीमें हैं जिनके पास बहुत समय से कोई भी ऐसा विदेशी गेंदबाज नहीं है जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सके। ऐसे में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के पास बहुत ही बढ़िया मौका है, और इनके पास पर्स बैलेंस भी इतना है जितना जोफ्रा आर्चर के ऊपर खर्च किया जा सकता है एक्स्ट्रा में। और दोस्तों नीलामी में जोफ्रा आर्चर का नाम हमें दिखाई देगा, सभी टीमों के पास लगभग बहुत ही कम पर्स बैलेंस होगा, उस समय जोफ्रा आर्चर का नाम आएगा और कोई भी टीम दोस्तों इनको लेके जा सकती है, और IPL 2023 के सीजन में इनको खिलाकर अपनी टीम को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम भी इनके पीछे जा सकती है, क्योंकि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के पास बहुत समय से कोई भी ऐसा विदेशी गेंदबाज नहीं है जो कि दोस्तों यहां पर जोफ्रा आर्चर की तरह गेंदबाजी कर सके डेथ ओवर में, स्टार्टिंग के ओवर में हर जगह। ऐसे दोस्तों जोफ्रा आर्चर बैटिंग भी करके देते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, और दोस्तों इस खिलाड़ी के ऊपर लगभग बहुत ज्यादा खर्च किया जा सकते हैं पैसे, लेकिन अंदाजा इसमें नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब इनका नाम आएगा ऑक्शन टेबल पर उस समय बहुत ही कम पैसे होंगे सभी टीमों के पास। तो ऐसे में बहुत ही कम पैसे लग सकते हैं इनके ऊपर, और जिस भी टीम में जाएंगे जोफ्रा आर्चर उनकी टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी IPL 2023 के सीजन के लिए। तो ऐसे में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम भी इनके पीछे जाना चाहेगी, और जरूर जाना चाहेगी, क्योंकि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के पास ऐसा गेंदबाज बहुत समय से नहीं आया। तो दोस्तों इसमें आपका क्या मानना है, क्या पंजाब किंग्स की टीम को जोफ्रा आर्चर के ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, इसमें आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियन्ना के बारे में, जहां पर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हो। 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, साथ ही में 24 सैन्य विद्रॉल भी मिलता है, और इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक से आप लोग इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है अनिल कुंबले की तरफ से। अनिल कुंबले ने दोस्तों बहुत ही बड़ा बयान दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है शाहरुख खान के रिगार्डिंग। शाहरुख खान को दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम वापस अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा इंडियन फिनिशर पंजाब किंग्स की टीम को कोई भी नहीं मिलने वाला मेगा ऑक्शन में जिनका फॉर्म लाजवाब हो। हालांकि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के पास और भी ऑप्शन है यहाँ पर फिनिशर के तौर पर खरीदने के लिए, महिपाल लोमरोर, दीपक हुड्डा, ऐसे बहुत सारे जो बल्लेबाज हैं IPL का अनुभव रखते हैं वो खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम दोस्तों शाहरुख खान के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हुए नजर आ सकती है IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद की टीम भी इनके पीछे बहुत पैसे खर्च करने वाली है, और शाहरुख खान का दोस्तों ये मानना कि वो चेन्नई सुपर किंग में जाना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन दोस्तों नीलामी में देखने लायक होगा कि कौन सी टीम शाहरुख खान को खरीद लेती है अपनी टीम में। मिनी ऑक्शन में दोस्तों इनको 5 करोड़ से ऊपर पैसे मिल गए थे, अब ये तो दोस्तों मेगा ऑक्शन है, हालांकि यहाँ पर कम पैसे मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों नीलामी में जब इनका नाम आएगा तो बहुत ज़्यादा देखने लायक बात होगी कौन सी पहली टीम होगी जो कि उनके ऊपर बिडिंग स्टार्ट करेगी, और वो शायद से दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम होगी जो कि इनके ऊपर सबसे पहले बोली लगाना चाहेगी। और इनका दोस्तों बेस प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो ये खिलाड़ी दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम में हमें वापस आता नजर आ सकता है। और पंजाब किंग्स की टीम का दोस्तों मिडिल ऑर्डर हमेशा से समस्या रही है, और ये खिलाड़ी आकर मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छी पारी खेल सकता है, जैसे कि दोस्तों ये अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका क्या मानना है, क्या पंजाब किंग्स की टीम शाहरुख खान को अपनी टीम में शामिल कर पाएगी, और कर पाएगी तो कितने करोड़ में कर पाएगी, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में, दोस्तों ईशान किशन का नाम भी इंडिया के स्क्वाड में आ गया, और इंडिया के स्क्वाड में हमें नजर आने वाले हैं, शायद से दोस्तों प्लेइंग ग्राउंड में भी नजर आए हमें, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि ये प्लेइंग ग्राउंड में नजर आए 6 फरवरी को पहले ODI मैच में हमें मालूम पड़ जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ अपडेट जो कि पंजाब किंग्स की टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए जो कि पंजाब किंग्स की टीम के लिए और IPL 2022 के लिए सभी IPL टीमों के लिए निकल आती है, सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।